नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ लैंग्वेज में स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डेटा मेंबर्स और फंक्शंस क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हैं, YouTube पर अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में। स्टैटिक जो वर्ड है उसका हम हिंदी में मतलब देखें तो स्थिर होता है एक तरह से, तो इसको हिंदी में स्थितिक बोलते हैं। स्टैटिक को मतलब क्या होता है इसका, दो तरह की चीज़ें होती है, एक डायनेमिक होता है और एक स्टैटिक होता है। डायनेमिक का मतलब टाइम के साथ बदलते रहने वाला, स्टैटिक है वो बदलता नहीं है। तो लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज है कि एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, उससे हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टैटिक भी बनाया। तो स्टैटिक वेरिएबल्स की क्यों ज़रूरत हो रही है हमें, स्टैटिक फंक्शंस की क्या ज़रूरत है हमें, तो किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को स्टैटिक बनाने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करते हैं। क्लास के जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स दो तरह के, या तो वेरिएबल है या फंक्शन है, तो उनको अगर स्टैटिक बनाता है तो उनके आगे हम लिखेंगे स्टैटिक, ठीक है। ये लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में STATIC जैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है हमें। वेन वी डिक्लेयर ए मेंबर ऑफ अ क्लास एज स्टेटिक, इट मीन्स देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द स्टेटिक मेंबर फॉर ऑल क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। मतलब जैसे ही हम किसी मेंबर को, क्लास का जो मेंबर है या सदस्य है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, उसको हमने स्टैटिक बना दिया, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, वो सेम कॉपी ही यूज आएगी, अलग अलग कॉपी नहीं होगी, एक कॉपी ही सारे ऑब्जेक्ट है वो शेयर करेंगे। जो नॉर्मल हम वेरिएबल या फंक्शन बना रहे थे उनमें क्या होता था, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नई कॉपी बनती थी, लेकिन स्टैटिक बना दिया इसलिए हर एक के लिए नई कॉपी नहीं बनेगी, एक ही कॉपी को सब शेयर करेंगे। स्टैटिक मेंबर्स इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। एक स्टैटिक सदस्य को क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स द्वारा साझा किया जाता है। ऑल स्टैटिक डेटा इज इनिशियलाइज्ड टू जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इफ नो अदर इनिशियलाइजेशन इज प्रेजेंट। आपने एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक, अगर आपने उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दी है, तब तो आपने जो असाइन की है वो वैल्यू उसमें रहेगी। अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो क्या होगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो उसमें जीरो असाइन कर देगा, वो जीरो मानेगा। जबकि नॉर्मल जो वेरिएबल बना रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें रेंडमली कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, अगर हम प्रिंट करा रहे थे। वो क्यों हो रहा था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, इसलिए जिस मेमोरी लोकेशन पर हमने उसको रखा है उस मेमोरी लोकेशन पर जो पुरानी वैल्यू थी उसको वो प्रिंट कर रहा था। लेकिन स्टैटिक के केस में क्या होगा, पहला ऑब्जेक्ट है वो जीरो से इसको इनिशियलाइज करेगा, वो भी कब, जब हमने अपनी तरफ से कुछ असाइन नहीं किया उसमें वैल्यू। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दिया तो हमारी वैल्यू उसमें मानी जाएगी, तब उसमें जीरो नहीं माना जाएगा। वी कांट पुट इट इन द क्लास डेफिनेशन बट इट कैन बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द क्लास। तो इसको जब हम इनिशियलाइज करते हैं, इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम क्लास के अंदर उसमें असाइन नहीं कर सकते, हम उसको क्लास के बाहर है इनिशियलाइज करेंगे। एक प्रोग्राम से हम इसको समझेंगे। प्रोग्राम से पहले साधारण शब्दों में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सब वाटर कूलर से
अपनी अपनी बोटल्स है वो पानी की भर के ले आए। तो जो हमारी क्लास है उसके अंदर मान लीजिए स्टूडेंट्स है 20, तो 20 स्टूडेंट्स क्या हो गए, एक तरह से ऑब्जेक्ट्स हो गए, 20 ऑब्जेक्ट्स हो गए उस क्लास के, सबके पास अपनी अपनी पानी की बोतल अलग अलग, ठीक है। तो बोतल से देखे तो है तो बोतल ही वो सबके पास, लेकिन सबकी अलग अलग कॉपी बन गई, सब अपनी अपनी भर के लेके आए। अब जो बच्चा जितना पानी पी रहा है उतना उसकी बोतल में कम हो जाएगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन सबकी अलग अलग। हमने देखा सुबह से शाम तक हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हैं उनकी बोतल में पूरा का पूरा पानी है, कहीं उन्हें खाली कर दी है, कहीं उन्हें आधी खाली की है। तो सबके पास अलग अलग कॉपीज है और सबकी अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन स्टैटिक में हमने क्या किया, हम एक ही बोतल लेके आए और वो पानी के भर के लेके आए। अब हमने क्या किया, जिसको भी पानी पीना है इस बोतल में से पिएगा, ठीक है। तो एक ही कॉपी शेयर हो रही है वहां पर, एक ही बोतल शेयर हो रही है। जैसे ही पहले स्टूडेंट ने पानी पिया उसमें से कुछ पानी कम हो गया, अब दूसरे स्टूडेंट के पास वो बोतल जाएगी तो उसके में से ऑलरेडी वो पानी कम हो चुका है, उसने वैल्यू जो मॉडिफाई कर दी एक ने, तो मॉडिफाई होने के बाद में दूसरे के पास पहुंच रही है, वो अलग कॉपी नहीं जा रही है, फिर उसने चेंज कर दिया तो तीसरे के पास और चेंज होके जा रही है। तो इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही जो वैल्यू है वो सब में शेयर हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आप कोई दूसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल है उससे कोरिलेट करके भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है हमारे पास, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सबकी पर्सनल कॉपी होती है अपनी अपनी, और कई बार होता है कि हम एक ही चीज़ को शेयर कर सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास सबके पास अपनी अपनी नोटबुक है, तो सबकी नोटबुक है उसके अंदर सब अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिख रहे हैं, सबकी अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन सामने आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो तो कॉमन है, वो आप शेयर कर रहे हो, वो आपके लिए कॉमन है, उसमें जो भी वैल्यूज है सबको वही दिखाई देगी, अगर मॉडिफाई होगा तो वो सबके लिए होगा। प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम फाइल है, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। नेम स्पेस में क्या होती है, क्लासेज होती है। क्लास हेलो, हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम हमने रखा है हेलो। फिर इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट काउंट, ऑब्जेक्ट काउंट क्या करेगा कि हमने कितने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं उनको काउंट करेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब इंटीजर वैल्यूज रहेगी ओनली। तो हमने इंट इसका डेटा टाइप लिया और इसको हमने बना दिया स्टेटिक। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, इसमें कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की है। फिर हेलो स्मॉल ब्रैकेट, तो ये जो हेलो हम लिख रहे हैं ये क्या होता है, एक तरह से फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो, लेकिन इसका नाम क्या है, जो हमारी क्लास का नाम है सेम वही नाम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन ही होता है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसका नाम है वो बिल्कुल वो का वही है जो क्लास का नेम है। और इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट काउंट प्लस प्लस कर दिया। ये किस लिए किया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट काउंट है वो हमने बनाया किस लिए, काउंटर, कितने ऑब्जेक्ट बन चुके हैं उनको गिनने के लिए। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है, ये याद होगा आपको, कंस्ट्रक्टर में हमने पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम यहाँ पर हेलो लिख के इसका कोड नहीं लिखते तो भी कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही रहा था, ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन हमें क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ काम भी करवाना है हमारा, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर की कोडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। आप नहीं लिखोगे तो भी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हर एक बार जब ऑब्जेक्ट नया बनेगा तो हर एक बार क्या होगा, हेलो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हेलो कंस्ट्रक्टर में हमने कोड क्या लिखा है, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार। तो ऑब्जेक्ट जैसे 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 बनते जाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होता जाएगा, और हमारा जो काउंटर बनाया ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए उसकी वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी, तो गिनती हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की कितने बने।
ये हमारी कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके सेमी कोलन, क्लास हमारी क्लोज हो गई। अब क्लास के बाहर हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर देंगे स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हेलो क्लास थी हमारी, तो हमने जो हमारी हेलो क्लास है उसमें जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज किया, तो इसमें जीरो वैल्यू इसमें इनिशियलाइज किया हमने, असाइन किया इसके अंदर। इसमें वैल्यू असाइन करने का तरीका है कि इसका डेटा टाइप इंट, और कौन सी क्लास थी, हेलो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू जीरो। तो किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो उसका तरीका यही होता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या है, कोलन कोलन, दो बार कोलन हम प्रेस करेंगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बन जाएगा। फिर INT मैन वॉइड, तो मैन फंक्शन होता है वो हमारा C++ में क्लास के बाहर ही रहता है। वहाँ पर हमने किया सी आउट टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने, और हेलो ऑब्जेक्ट काउंट इसको प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, एक भी ऑब्जेक्ट हमारा नहीं बना है। उसके बाद में हेलो ऑब्जेक्ट वन बनाया, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, फिर दोबारा हमने प्रिंट करवा दिया कि कितने ऑब्जेक्ट बने, फिर हेलो ऑब्जेक्ट टू बनाया, उसके बाद में दोबारा हमने प्रिंट करा दिया। तो सबसे पहली बार हमने जब काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवाई उस टाइम तक एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना था, मतलब इसमें शुरू में हमने जीरो साइन किया तो जीरो का जीरो प्रिंट कर देगा। उसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है, उस काउंटर को इंक्रीमेंट किया है, तो एक उसमें जुड़ जाएगा, तो 0+1 कितना हो जाएगा, 1। फिर एक ऑब्जेक्ट और बना तो 1+1 2, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी 0 1 2। और क्योंकि हम एंड एल यहाँ पर लगा रहे हैं नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर, तो वो हर एक बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, ये तो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसको बिल्कुल आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में कंपाइलर में रन कर सकते हैं। वो कैसे कंपाइलर में दिखेगा, ये हमारा एडिटर में कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसमें कलरफुल दिख रहा है। आउटपुट हमारा जैसा कि मैंने बताया 0 1 2 इस तरह से हमारा आएगा। 0 सबसे ऊपर हमने लिखा, तो यहाँ तक हमारा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना था इसलिए 0 है। उसके बाद में जैसे एक ऑब्जेक्ट बना 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये तो हमारे स्टेटिक वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं स्टेटिक फंक्शन मेंबर्स, फंक्शन को भी हम स्टेटिक बना सकते हैं। बाय डिक्लेयरिंग अ फंक्शन मेंबर एज स्टेटिक वी कैन मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एक फंक्शन सदस्य को स्टेटिक घोषित करके हम इसे क्लास के किसी विशेष ऑब्जेक्ट से स्वतंत्र कर सकते हैं। वही बात है जैसे हमने बताया, जैसे हमने स्टेटिक बनाया तो किसी विशेष ऑब्जेक्ट है उसके लिए उसकी अलग से कॉपी नहीं बनेगी, वो फ्री हो गया है, उसको सब शेयर करेंगे, सबके लिए वैल्यू कॉमन रहेगी। ए स्टेटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ए स्टेटिक सदस्य फंक्शन को बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। और एक सवाल है उसका भी ये आंसर देता है, ध्यान से देखिए। एक स्टैटिक फंक्शन को बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल किया जा सकता है। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हमारा जवाब होता है नहीं, क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब एनकैप्सुलेशन का मतलब सब कुछ क्लास के अंदर ही रहेगा, सब कुछ एक कैप्सूल बन गया, क्लास क्या है, कैप्सूल हो गया, और कैप्सूल के अंदर ही सब कुछ रहेगा। लेकिन C++ में हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्लास के बाहर रहता है, इसका मतलब ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो बाहर क्यों रहता है, क्योंकि अगर हम फंक्शन के अंदर इसको लिख देंगे तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और अगर
ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। तो इस तरह से हम उसको अंदर नहीं लिख सकते। आगे की जो लैंग्वेजेज है, जावा और दूसरी लैंग्वेजेज है जिनको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें क्या किया, मेन फंक्शन है उसको भी हमने क्लास के अंदर ही लिख दिया, लेकिन हमने उसको क्या किया, स्टेटिक बना दिया। अब चूंकि हमने उसको स्टेटिक बना दिया है तो उसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो कॉल हो जाएगा बिना ऑब्जेक्ट के। उसके बाद में जितने भी फंक्शन हैं जो नॉन स्टेटिक है उनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जावा के अंदर कि मेन फंक्शन है उसको हमने स्टेटिक क्यों बनाया है यहाँ पर, तो उसका रीज़न यही है। द स्टेटिक फंक्शंस आर एक्सेस्ड यूजिंग ओनली द क्लास नेम एंड द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्टेटिक फंक्शंस हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और हम डायरेक्टली क्लास के नेम के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके इनको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें वेरिएबल में भी देखा था, ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया है यहाँ पर हेलो का, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, लेकिन आप ध्यान से देखिए जो ऑब्जेक्ट काउंट हमारा वेरिएबल है उसको कॉल करते टाइम हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हेलो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्टेटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टेटिक डेटा मेंबर, अदर स्टेटिक मेंबर फंक्शन एंड एनी अदर फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो एक स्टेटिक मेंबर फंक्शन है वो केवल स्टेटिक डेटा मेंबर्स या जो दूसरे स्टेटिक फंक्शंस हैं क्लास के बाहर भी कोई अन्य फंक्शन है उनका उपयोग कर सकता है। इसका प्रोग्राम है वो बिल्कुल ऊपर जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ऊपर हमने क्या किया था, क्लास नेम ऑब्जेक्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और काउंटर है उसको हमने प्रिंट कराया था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, काउंटर को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराएंगे, काउंटर को हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर, फंक्शन हम लिखेंगे स्टेटिक इंट गेट काउंट, और यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे ऑब्जेक्ट काउंट को, और हम फंक्शन को कॉल करेंगे जब इसको प्रिंट करवाना होगा। तो इसका कोड यहाँ इस तरह से होगा, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया ऑब्जेक्ट काउंट को जीरो से, और आई एन टी मैन वॉइड मैन फंक्शन बना लिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करवाई। अब यहाँ पर देखिए जब प्रिंट करवा रहे हैं तो हम पहले वाले एग्जांपल में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली वेरिएबल का नेम यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने एक फंक्शन बना दिया है, तो गेट काउंट जो हमारा स्टेटिक फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और गेट काउंट क्या कर रहा है, उस काउंटर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो बात तो वही है लेकिन हम फंक्शन के थ्रू करवा रहे हैं इसको। फिर ऑब्जेक्ट वन बनाया, उसके बाद में दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पहले जीरो प्रिंट करेगा फिर वन करेगा फिर दो के बाद में दो करेगा, इस तरह से जितने ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारा जो एडिटर होगा उसमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको अलग अलग कलर में दिख जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। आउटपुट आ जाएगा 012, जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसी तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।